लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड बीइंग द होल क्रू फ्रॉम दिल्ली, जितने भी जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो सब दिल्ली में हुआ है, यूपी में हुआ है, दिल्ली वाले बॉम्बे अपनी पिक्चर लेके आए हैं, इसलिए इट्स वेरी वेरी एक्साइटमेंट फॉर एवरी वन इन माई टीम एंड फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। फिल्म के नाम में नहीं सब कुछ है, आप लोगों को नाम में ढूंढना है क्योंकि हमारा हैश टैग भी वही है, वहाँ हम है क्या। सो इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर एंड डेफिनेटली आर हीरो इज आवर स्टोरी। सेंसरबोर्ड में आई थी तो सफर ऐसा है कि जब मैं सेंसरबोर्ड में आई थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पिक्चर बनाऊंगा। मैंने इतनी पिक्चर्स देखी फिर भी नहीं था, लेकिन आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने मुझे वहाँ इसलिए प्लान किया था कि मैं पिक्चर बना सकूँ। आई वॉज फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, मैंने स्पॉट बन के भी काम किया है और मैंने प्रोड्यूसर बन के भी काम किया है। आज मैंने सारा जो हमारा सारा पोस्ट प्रोडक्शन हुआ सब हुआ सारा मैंने करा, जबकि मैं इस लाइन से नहीं हूँ। आई लर्न ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम दिस एंड इट्स लाइक अ बेबी। आप सीड देखते हो, जब हम सीड लगाते हैं और जब वो पूरा पेड़ बनता है, आज वो पेड़ बनने जा रहा है एंड इट्स द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। जी ये पोस्टर हाउस ऑफ फॉर्स में बनाया है फॉरस द मैजिशियन बिहाइंड दिस पोस्टर एंड इट सेज होल द स्टोरी। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी पिक्चर और थिएटर्स में 26 मई। यस वी कैन सी बट फर्स्ट आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दिस एंड आप लोगों से सक्सेस बनाइए क्योंकि आप ही लोग बना सकते हैं। हमने अपना काम कर दिया, अपनी मेहनत कर दी, एक एक स्टार ने अपना सब कुछ कर दिया। अब आप लोग हैं, ऑडियंस है, मेरी पब्लिक है जो उसको एक सक्सेस और आम बनाए। ट्रेलर के लिए तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि 3 साल से हम इस पर काम कर रहे थे और ये 2020 में जब कोरोना आया था तब से हम इस पर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर अंकित हंस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये स्क्रिप्ट और ये मौका मुझे मिला। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जिस दौरान हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे और जब स्क्रिप्ट पे वर्क हो रहा था तो उस वक्त ऐसी मूवी और ऐसा किरदार किसी को ऑफ़र नहीं हुआ था और मैं लकीली मुझे वो ऑफ़र हुआ और मैंने जितनी अपनी शिद्दत से मेहनत से जितना मैं कर सकता था मैंने वो किया है। फिर मैम का शुक्रगुजार हूँ। मैंने इसमें यशवंत का कैरेक्टर प्ले किया है और मैम ने मूवी प्रोड्यूस किया और इन्होंने मुझे और हृदय को मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने बहुत टाइम स्ट्रगल किया था, मुंबई में भी किया, हर जगह किया, लेकिन फिर एक ऐसी मूवी और ऐसी कहानी हमें मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो बस अलमाइटी का और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम और इतने अच्छे लोग मिले। थैंक यू। जी नमस्ते, ये मेरी पहली फिल्म है और सबसे बड़ा शुक्रिया तो मैं ऋचा मैम, हमारी बैकबोन जिसके बिना आज ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता, और हमारे अंकित सर का करना चाहूँगी जिन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया कि मैं ये किरदार निभा पाऊँगी और उनके विज़न को आप लोगों तक पहुँचा पाऊँगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और मेरे दो बड़े हीरोज़ हमारी फिल्म के ये हमारे हृदय सिंह और यशवंत जी, शिवा जी, ये हम इनके कैरेक्टर्स हैं, और वरुण सूरी जी और हृदय जी, इन दोनों की एक्टिंग स्किल्स मतलब यहाँ पे टैलेंट यहाँ पे था और मैं मुझे इनसे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला। और अब मेरी परफॉर्मेंस जो भी आप लोगों के दिलों को छुएगी तो उसका श्रेय इन दोनों को भी जाता है क्योंकि इनकी वजह से मैं इतना अच्छा कर पाई और वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया क्योंकि ये बिल्कुल सपने के सच होना जैसा है। अभी समझ नहीं आ रहा है रियलिटी है या कोई ड्रीम है, और इस ड्रीम को रियल करने में सबसे बड़ा हाथ ऋचा मैम का, और इस ड्रीम को सबसे पहले जो स्टेप दिखाया किसी ने कि सच हो सकता है वो हमारे डायरेक्टर अंकित हंस है, और उसके बाद मेरे को एक्टर्स जो इतने शानदार को एक्टर्स है कि ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार हो गया, जैसा सोचा गया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
जी जी आई थिंक डायरेक्शन करना, उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाना मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. और बेस्ट पार्ट वॉज कि जो मेरे साथ मेरी टीम में एक्टर्स थे उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे साथ. और मुझे देखो डेफिनेटली फील्ड पे जाके बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगा कि एक्टर्स ने जो साथ दिया है और जो एक्टर की क्रिएटिविटी थी वो बहुत खूबसूरत थी. और इवन है, आप ट्रेलर देखेंगे, आप ट्रेलर से ही पहचान पाएंगे कि हमने कितना अच्छा काम किया है. एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर साहब, इन्होंने कितनी मेहनत करी है हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, आपको जल्दी सिनेमा हॉल पे देखने को मिलेगा. और जो हमारे म्यूज़िक कंपोज़र साहब हैं विजय जी, इन्होंने जो BGM दिए फिल्म में, जो इन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया है, माइंड ब्लोइंग. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी फिल्म है इसलिए, लेकिन एक्चुअली जब इन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया था, हमारे जो सॉन्ग से कंपोज करे थे, हमने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी थी, लेकिन विजय सर ने हमारे को यहाँ तक पहुँचा दिया. रियली थैंक्स सर. थैंक यू. आपको एंड तक ये फिल्म देखनी पड़ेगी ओहाम का मतलब समझने के लिए. थैंक यू गाइस. मैं ये बोलना चाहूंगा कि अच्छा सॉरी क्या बोलना, एक्साइटेड तो बहुत हूँ मैं. और जब मैंने जो अमित तुल्ली ने मुझे एक फिल्म ये बोला कि पार्ट ये फिल्म है और हम पिक्चर है वो तुमको करना है, तुम्हारी स्टाइल की पिक्चर. बेसिकली मेरी स्टाइल फॉर जॉनर लाइक सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, उस तरह की मेरा बहुत जॉनर है. जब मैंने मटेरियल देखा तो मुझे लगा कि यार कुछ तो ये बात है. और इन्होंने जो फर्स्ट टाइम इन्होंने जो पिक्चर बनाई है उस हिसाब से बहुत सही इन्होंने शूट किया है, पिक्चर भी बहुत सही बनाई थी. और जब फिर मैंने एडिट पे जब बैठा मैंने तो मुझे इतना ट्रीटमेंट करने में बहुत मज़ा आई और एक्साइटमेंट बहुत रही मुझे फिल्म करने में. अभी जब ट्रेलर आएगा, जब फिल्म देखेगी तब पब्लिक को लगेगा कि नहीं कुछ नया लेके आया है, इतना श्योर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ओहाम इस साल की आई थिंक फ्रेशेस्ट बॉलीवुड फिल्म होगी, क्योंकि एवरी फेस इज़ फ्रेश बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रिपिंग ओरिजिनल थ्रिलर्स आई हैव एवर सीन. और ओरिजिनल स्टोरी है, ग्रिपिंग है, एंड तक मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है. इवन ट्रेलर देख के मैं और कन्फ्यूज़ हो गया था, तो आई एम होपिंग कि आप लोग ट्रेलर इन्जॉय करें, एंड उसके बाद जब फिल्म रिलीज़ होगी आई एम होपिंग कि आप लोग फिल्म भी इन्जॉय करें. थैंक यू. Yeah.